हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सम नंबर फोर ऑफ योर फाइनल अकाउंट। क्या दिया हुआ स्टूडेंट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसेस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट हैज ऑन दैट डे। ट्रायल बैलेंस हैज ऑन 31 मार्च 2019 गिवन। ठीक है, तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जितने भी ट्रायल बैलेंस की जो चीज़ें दी गई है उसका मैं पोजीशन नोट कर लेता हूँ। आपको पोजीशन नोट करने के टाइम पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, डेबिट साइड में जितने भी आइटम है ट्रायल बैलेंस के वो कहाँ कहाँ पर आ सकती है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर आने की। पहले तो है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। सेकेंड जो चांस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड जो चांस है कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। और फोर्थ जो चांस है स्टूडेंट एसेट। तो ये जितने भी आइटम्स यहाँ पे कवर होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, डेबिट साइड में, इनकी लोकेशन इनके अलावा कहीं नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं नोट करता हूँ यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू। स्टॉक कहाँ पे आता है स्टूडेंट, अपना जो स्टॉक है वो ये ओपनिंग स्टॉक दिया, क्योंकि यहाँ पे डेट 1/4/2018 दिया हुआ है। तो ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। नेक्स्ट डेटर कहाँ पे आएगा, एसेट में, बिल रिसीवेबल एसेट्स परचेस अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड अपना परचेस स्टूडेंट जब भी याद रखना आपको डेबिट में अगर कुछ रिटर्न है तो मेरा सेल्स रिटर्न होगा और क्रेडिट में जो रिटर्न है वो मेरा परचेस रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये मेरा परचेस रिटर्न है, परचेस में से मुझे क्या, सॉरी, ये मेरा सेल्स रिटर्न है, ऐसे मुझे सेल्स में से क्या करना है, लेस करना है। क्योंकि स्टूडेंट मुझे इसे सेल्स में से लेस करना है तो सेल्स के वहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे जो सेल्स है वो इनर कॉलम में नोट करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मोटर व्हीकल एसेट, जनरल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे ड्यूटी में लेके कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ समझ में नहीं आता है। इम्पोर्ट ड्यूटी TD में आते हैं बट एक्सपोर्ट ड्यूटी PD में आता है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो सेल्स से कनेक्टेड है, सेल्स होने के बाद में हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा स्टूडेंट, PD। और अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी होता तो कहाँ आता, TD आता, आपको याद रखना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, और देख सकते हो आप स्टूडेंट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, अकाउंट के अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है, हमें इसे इनर कॉलम में लिखना है। अच्छा, बाय द वे ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ आएगा, PD में आएगा, कहाँ आएगा, PD में, ओके। तो मैंने इसे नोट कर लिया, स्टार मार्क भी कर लिया ताकि मैं इसे इनर कॉलम में लिखूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PD, ड्राइंग CD, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस एसेट, कैसेट बैंक एसेट, फर्नीचर एसेट, ओके स्टूडेंट। तो हमने सारी चीज़ें क्या कर दी है, नोट कर लिए, करेक्ट, ओके स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड की साइड, क्रेडिट साइड जो है स्टूडेंट वहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ सकता है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम्स है वो आइदर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, या फिर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, और लास्ट चांस जो इसका आने का है वो लायबिलिटी, करेक्ट। तो ये सारी जगह जहाँ पे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम्स लाए कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, लायबिलिटी। बिल्स पेबल कहाँ आएगा, अगेन लायबिलिटी। क्रेडिटर्स लायबिलिटी। सेल्स, सेल्स अपना आएगा TC, करेक्ट। स्टार मार्क कर लेते हैं पहले जो है स्टार मार्क और फिर TC, करेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट था। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी। अनपेड वेजेस अगेन लायबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सॉरी, लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस रिटर्न में ये लेस होगा, तो परचेस के यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टूडेंट और स्टार मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं परचेस को इनर कॉलम में लिख सकूँ, ओके। एक बार आपका ये हो गया लोकेशंस, उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट की तरफ मूव करना है। एडजस्टमेंट में पहला दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000 स्टूडेंट, इसका दो इफेक्ट आएगा। पहला जो इफेक्ट आएगा कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा स्टूडेंट, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। और जो दूसरा इफेक्ट आएगा स्टूडेंट वो आएगा आपका एसेट साइड में, करेक्ट। नेक्स्ट है
प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब हमें कुछ डाउट है कि हमारे जो कस्टमर्स है वो पैसा नहीं देगी, जिसके लिए मैं प्रोविजन क्रिएट करके रखूँगा स्टूडेंट। तो ऐसा प्रोविजन क्रिएट करने से क्या होगा स्टूडेंट, जो मेरे डेटर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि पैसे नहीं आने वाले, तो लिख के मतलब नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो पहला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। सेकेंड जो इफेक्ट होगा स्टूडेंट वो मेरा नुकसान एक टाइप का, पैसे अगर नहीं आते हैं डेटा से तो मेरा नुकसान है। सेकेंड जो इफेक्ट होगा उसका पीडी में होगा। ओके नेक्स्ट, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटा बोला हुआ है, मतलब मुझे फिर से कुछ डाउट है कि कुछ मेरे कस्टमर्स जो है वो मुझसे क्या मांगेंगे, पेमेंट करने के टाइम पे डिस्काउंट मांगेंगे, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, करंट ईयर में इसका प्रोविजन क्रिएट करके रखूँगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं एक टाइप का लॉस है, तो इसका इफेक्ट पीडी में तो आएगा स्टूडेंट, साथ साथ में डेटर्स भी क्या हो जाएगा मेरा रिड्यूस होगा, क्योंकि जो पैसे मुझे नहीं मिलने वाले वो वैल्यू लिख के मतलब नहीं है, तो बेटर हम उसे क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, करेक्ट। तो ये डेटा में से भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा उन्होंने कहा है, अच्छा एक मिनट, डेटर्स के यहाँ पे मैं पहला क्या करता हूँ स्टूडेंट, दो स्टार मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, करेक्ट। डेटर्स के वाक्य यहाँ पे मार्क कर, अभी दिया हुआ वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। जो लीज होल्ड प्रीमाइसिस है उसका वैल्यू जो 31 मार्च को था वो कितना था स्टूडेंट, 1 लाख था, तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस किधर है, करेक्ट, यहाँ पे 1,10,000 दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया 1 लाख दिया, मतलब स्टूडेंट जो 10,000 है, जो डिफरेंस है 10,000 का, वो मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन है, क्या स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट होने के नाते मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया ताकि मैं ये अमाउंट को इनर कॉलम में लिख सकूँ। ओके तो इसका दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट पहला, और जो दूसरा इफेक्ट आएगा क्या आएगा स्टूडेंट, वो पीडी में बरोबर एज ए डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ 500, मतलब मुझे पे करना बाकी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, तो सबसे पहले मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं इसे इनर कॉलम में लिखूँ। अब इसके दो इफेक्ट देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मेरे को पे करना बाकी है, मुझे मेरा एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, रिकॉर्ड करेगा तो ऐड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ऐड टू प्रिंटिंग। और जो दूसरा स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पेमेंट करना बाकी है, मेरा बर्डन है लाइबिलिटी है, करेक्ट, तो इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। तो आप देख सकते हो हमने प्रॉपरली एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने के बाद में हमने सारे एडजस्टमेंट देखे, अब हम मूव करते हैं हमारे सम की तरफ। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम, तो ये जो सम है आपको इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बना के रखना है। पहले ये यहाँ पे जो मैंने डबल अंडरलाइन की हुई स्टूडेंट, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ तक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरा और माधव पार्टनर है, और बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2019, करेक्ट। और सबसे पहले जो हेडिंग होना चाहिए वो स्टूडेंट ये होना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ मैसेज मेरा एंड माधव, करेक्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद में, फॉर्मेट बनाने के बाद में हम अपना सम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहली जो चीज़ है ट्रायल बैलेंस में वो क्या है, स्टॉक। अभी यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर वाइज ही जाएंगे, मेक श्योर एक भी स्टेप हमें स्किप नहीं करना है, अगर एक भी स्टेप हम स्किप करते हैं तो चांसेस है कि हमारा सम क्या हो जाए स्टूडेंट, रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहला आइटम कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा देखते हैं स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होगा तो ही इनर कॉलम में लिखूंगा, नहीं तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डेटर, डेटर में आप देख सकते हो दो स्टार है, ठीक है, मतलब दो एडजस्टमेंट है, तो मैं डेटर की अमाउंट को कहाँ लिख दूंगा, एसेट में लिख दूंगा, और यहाँ पे मैंने नोट कर दिया स्टूडेंट, ऊपर जो मैंने जगह छोड़ी हुई इतनी वो मैंने फिक्स एसेट के लिए छोड़ी हुई है। नॉर्मली जब भी हम एसेट साइड में कोई आइटम पोस्ट करते हैं तो फिक्स एसेट ऊपर होता है, मिडल में इन्वेस्टमेंट होता है, और लास्ट में करंट एसेट होता है, ठीक है। तो ऊपर जो मैंने जगह छोड़ी है वो फिक्स एसेट के लिए छोड़ के रखी हुई है। अच्छा एडजस्टमेंट होने की वजह से मैं इसे इनर कॉलम में नोट कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ है स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल। ओके तो यहाँ पे मैं बिल रिसीवेबल नोट कर लेता हूँ, अगेन एसेट था बिल रिसीवेबल मेरा, तो बिल रिसीवेबल को मैंने एसेट में नोट कर दिया, एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम में। अभी आप देख सकते हो डेटा में स्टूडेंट मैंने 3 लाइन छोड़ी हुई है, 3 लाइन क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट आएगा मेरा, फिर मैं टोटल करूँगा, फिर मैं दूसरा एडजस्टमेंट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना, इसलिए मुझे 3 लाइन जगह या 3 जगह छोड़नी पड़ी। ओके बिल रिसीवेबल हो गया,
अब मूव टू नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम क्या दिया स्टूडेंट, परचेस। परचेस 2,08,500 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेस 2,08,500। तो ये मैं चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेस, अभी स्टार मार्क किया हुआ था स्टूडेंट बरूबर, रिटर्न था इसमें तो मैं इनर कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा 2,08,500। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, मेरा रिटर्न है। रिटर्न कौन सा, ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। तो सबसे पहला जो आइटम स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, मेरा सेल्स आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। तो मैं यहाँ पे जगह छोड़ के रखता हूँ उसके लिए, जब आएगा तब हम लिख देंगे क्योंकि स्टेप तोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। लेस रिटर्न इनर कॉलम में लिख देता हूँ -1,000, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आइटम मूव करते हैं, कैरिज इनवर्ट। कैरिज इनवर्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मूव करूँगा मैं और लिख दूंगा कैरिज इनवर्ट। एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम में अमाउंट, ठीक है, ये एडजस्टमेंट के लिए स्टूडेंट जगह छोड़ के रखी हुई मैंने। नेक्स्ट कैरिज आउटवर्ड कहाँ आएगा स्टूडेंट, कैरिज आउटवर्ड पीडी में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में कैरिज आउटवर्ड, एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया 4,500। नेक्स्ट मोटर व्हीकल 55,000, कितना दिया हुआ, मोटर व्हीकल 55,000 एसेट है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो मोटर व्हीकल एसेट में लिख दूंगा, फिक्स एसेट है और एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम में अमाउंट 55,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस पीडी में जाएगा, करेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता हूँ टू जर्नल एक्सपेंस, एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम अगेन। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है अपना पीडी, तो पीडी में मूव करता हूँ टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगेन आउटर कॉलम। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट इनर कॉलम में लिखना है 4,800, टू एडवर्टाइजमेंट 4,800, ठीक है, लास्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडजस्टमेंट दिया हुआ है 1,200 अमाउंट लिख दिया मैंने, नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ आएगा स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कहाँ आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मूव करता हूँ, लिखता हूँ टू ड्राइंग, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दोनों का अमाउंट नोट कर लेता हूँ, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, लीज होल्ड प्रीमाइसिस 1,10,000 स्टार मार्क है अगेन, तो ये मेरा इनर कॉलम में आएगा, लीज होल्ड प्रीमाइसिस फिक्स एसेट होने की वजह से मैं इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और इनर कॉलम में मैंने अमाउंट नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, ये मेरा एसेट है, तो एसेट साइड में मूव करता हूँ कैश एट बैंक और इसका अमाउंट नोट कर लेता हूँ 45,000, करेक्ट। नेक्स्ट है मेरा फर्नीचर, फर्नीचर 8,300 एसेट, तो फर्नीचर 8,300 सीधा आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट अगेन नहीं है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने डेबिट साइड के जितने भी इफेक्ट है सब के सब दे दिए। अब मैं मूव करता हूँ क्रेडिट साइड में, कहाँ मूव करता हूँ स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में मूव करता हूँ। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो चीज़ है वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा लायबिलिटी में, ओके एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से आउटर कॉलम में नोट कर लिया मैंने। अभी स्टूडेंट ऊपर जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है वो मैंने कैपिटल के लिए जगह छोड़ के रखी हुई है, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मेरा अगेन लायबिलिटी है तो बिल्स पेएबल मैंने नोट कर लिया और यहाँ पे अमाउंट नोट कर लेता हूँ मैं, करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा आइटम है स्टूडेंट, क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर का अमाउंट 68,000 दिया हुआ, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में पहुँच गया, क्रेडिटर नोट कर लिया 68,000 नोट कर लिया, करेक्ट। क्रेडिटर के बाद में स्टूडेंट दिया हुआ सेल्स, सेल्स कहाँ पे टीसी स्टार मार्क है, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, तो यहाँ पे चला गया सेल्स लिख दिया, इनर कॉलम में अमाउंट लिख दिया, रिटर्न था स्टूडेंट माइनस करके ऑन द स्पॉट वही टाइम पे हम लोग अमाउंट बाहर लिख देंगे क्योंकि कई बार क्या होता है हम अमाउंट लिखना भूल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे सेल्स का वैल्यू नोट करके मैंने फाइनल अमाउंट बाहर लिख दिया। सेल्स के बाद में स्टूडेंट दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, ये मेरा लायबिलिटी है तो मैं लायबिलिटी नोट कर देता आउटस्टैंडिंग रेंट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अनपेड वेजेस, ये भी मेरा लायबिलिटी है तो मैं लायबिलिटी साइड में जाके अनपेड वेजेस नोट कर लेता हूँ, करेक्ट। अब दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और रिस्पेक्टिवली अमाउंट नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। एंड लास्ट आइटम जो दिया हुआ परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न परचेस से लेस होगा स्टूडेंट, तो परचेस
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गया, परचेस के नीचे लेस परचेस रिटर्न लिख दिया, अमाउंट माइनस किया और फाइनल अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया स्टूडेंट, करेक्ट। तो इस तरीके से मेरा ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड भी पूरा हो गया और क्रेडिट साइड भी पूरा हो गया। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ओके, तो एडजस्टमेंट के मुझे कितने इफेक्ट देने स्टूडेंट, दो इफेक्ट देने, दो इफेक्ट देते देते मुझे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है। तो पहला जो इफेक्ट है स्टूडेंट एडजस्टमेंट का, वो दिया क्लोजिंग स्टॉक जिसका वैल्यू दिया हुआ 32,000। तो चलिए पहला इफेक्ट क्या लिखा हुआ है, टीसी, टीसी में जाते हैं, नोट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट डाल देते हैं। सेकंड जो इफेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ है स्टूडेंट, एसेट में, करेक्ट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मूव करता हूँ मैं, लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, नोट कर लिया, करेक्ट, ये भी हो गया। उसके बाद में क्या स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटस में मुझे लेस करना है, लेस फ्रॉम डेटा, और दूसरा इफेक्ट पीडी में। तो डेटस में चला जाता हूँ, लेस आरडीडी अमाउंट नोट कर लेता हूँ 2000 और टोटल कर लेता हूँ नीचे, कितना आ गया 78,500। आरडीडी का दूसरा इफेक्ट आएगा स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बराबर, टू आरडीडी अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ मैं। ओके, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा आरएफडीडी कितना दिया हुआ है, 3%। तो स्टूडेंट आरएफडीडी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये जो 3% है स्टूडेंट 78,500 पे कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है ना। तो 78,500 पे जब मैं 3% कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2355। ये अमाउंट माइनस करके मैं फाइनल अमाउंट जो है डेटर का बाहर लिख दूंगा। और आरएफडीडी का दूसरा जो एडजस्टमेंट है मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अमाउंट सीधा बाहर 2355। तो आप देख सकते हो मैं दो दो इफेक्ट दे दे के आगे मूव कर रहा हूँ। तो इसके भी मैंने दोनों इफेक्ट दे दिए। अभी नेक्स्ट है मेरा लीज होल्ड प्रीमाइसिस। ओके, वैल्यू कितना दिया हुआ लीज होल्ड प्रीमाइसिस का, 1,00,000। लीज होल्ड प्रीमाइसिस के साथ सामने चला गया स्टूडेंट 1,10,000 है। क्वेश्चन में ही मुझे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है जो वैल्यू है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का वो कितना हो गया, 1,00,000। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो कितना है, 10,000, और वो क्या मेरा डेप्रिसिएशन, करेक्ट। अभी ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 10,000, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पीडी में आएगा। तो पीडी में जाके मैं लिख देता हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसिस, अमाउंट को बाहर लिख देता हूँ, करेक्ट, ये समझा आपको। तो 1,00,000 डायरेक्टली दिया हुआ था, 1,00,000 लिख दिया, ये मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिला। ये डेप्रिसिएशन के अलग अलग तरीके से वो लोग इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट दिया हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग स्टेशनरी 500। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग स्टेशनरी 500, प्रिंटिंग स्टेशनरी की तरफ चला गया, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 500 लिख दिया और ऑन द स्पॉट टोटल बाहर लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और इसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में मूव करते हैं और लिखते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी और अमाउंट नोट कर लेते हैं 500। सारे एडजस्टमेंट हो गए स्टूडेंट, एक बच गया अभी हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ था मुझे, कि जो एडवर्टाइजमेंट है 4,800 वो कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो जो 3 ईयर्स का जो अमाउंट है वो स्टूडेंट कितना है मेरा, 4,800। अगर मैं 4,800 को 3 ईयर्स से डिवाइड करूँगा तो मुझे कितने ईयर का मिल जाएगा, 1 ईयर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो 1 ईयर का एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ स्टूडेंट, 1,600। क्योंकि स्टूडेंट मैंने ये एडवर्टाइजमेंट 1 अक्टूबर को कराया था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ मैंने यूज़ किया, कितना यूज़ किया 6 मंथ, मतलब मैंने आधा साल यूज़ किया। तो जो 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन होगा स्टूडेंट कितना महीने का, 6 मंथ का जो डेप्रिसिएशन होगा कितना होगा, ये भी आधा होगा, विच कम्स टू 800। मतलब 800 स्टूडेंट मेरा करंट ईयर का है, इसके अलावा बाकी जितना भी है वो सब क्या मेरा प्रीपेड है। तो मैं एडवर्टाइजमेंट में जाता हूँ, करंट ईयर का अमाउंट मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि करंट ईयर का अमाउंट ही मुझे आउटर कॉलम में लिखना होता है। लिख दिया मैंने 800, बाकी का जो बचा स्टूडेंट 4,000 वो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया माइनस, और ये हो गया मेरा प्रीपेड। और ये प्रीपेड का दूसरा जो इफेक्ट है स्टूडेंट कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, बरो कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो वो कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाता है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4,000, करेक्ट। तो इस तरीके से मेरे सारे एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी और हिडन एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। अब मूव करते हैं हम लोग क्लोजिंग करने के स्टेप पे। सबसे पहले मैं क्या क्लोज करूँगा स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम टोटल करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये टोटल आया स्टूडेंट आया 3,56,000। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 3,56,000, ठीक है। पहले आपको चेक करना है हैवी कौन सा है, इसका कितना आया स्टूडेंट, इसका जो अमाउंट आया है 2,35,500, कितना आया 2,35,500। जब आप 2,35,500 को 3,56,000 से माइनस करोगे
तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंस मिल जाएगा विच इज़ 120,500। ये अपना क्या हो गया स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने पे ग्रॉस प्रॉफिट मिला मुझे, ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मूव कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट नोट कर दूंगा। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट साइड है वो 120,500 है, और जो डेबिट साइड है वो कितना स्टूडेंट, वो है 24,500। कितना दिया हुआ है, 24,500, करेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा स्टूडेंट, तो मुझे कितना मिलेगा, अभी आपके क्या बोलते कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, अलग से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। 120,500 क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड का टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 24,055। सब्सट्रैक्ट करने पे आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 96,445। ओके, 96,445 ये मेरा डिफरेंस है स्टूडेंट डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि मेरा क्रेडिट हैवी है, मैं क्रेडिट को दोनों साइड में लिख देता हूँ, और डिफरेंस मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो अमाउंट है दोनों पार्टनर्स में बांटना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, कहीं पे भी प्रॉफिट कैसे बांटना है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे डिवाइड कर लेंगे, इक्वली कैसे डिवाइड कर लेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड बाय टू करना है, पॉइंट में आंसर आने की वजह से मैंने अमाउंट 0.5 को मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये अमाउंट चला गया माधव का, ये अमाउंट आ गया मेरा का, और ये क्या मिल गया मुझे स्टूडेंट, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये नेट प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा, प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। कैपिटल बढ़ने पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कैपिटल घटने पे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। आपको ये याद रखना स्टूडेंट। तो ये मैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, अमाउंट नोट कर लेता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, अमाउंट नोट कर लिया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करने के बाद में मुझे ये अकाउंट भी क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल का। तो यहाँ पे आपको टोटल देखना पड़ेगा, टोटल जो आएगा क्रेडिट साइड का, डेफिनेटली क्रेडिट साइड मेरा हैवी, तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल कर लेता हूँ। तो ये माधव का हो गया, ये मीरा का हो गया, दोनों का टोटल कर लिया, क्योंकि ये हैवी साइड है स्टूडेंट, सेम अमाउंट मैं दूसरी जगह पे भी लिख लेता हूँ, करेक्ट। अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, डिफरेंस जो है मैं दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे नोट कर लिया, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मिल गया स्टूडेंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये अमाउंट स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड हैवी है, तो मुझे जो बैलेंस मिला वो कहाँ से मिला, क्रेडिट बैलेंस मिला, और क्योंकि लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस, तो मैं इसको क्रेडिट साइड में नोट कर लूँगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट मेरा, माधव और दोनों का अमाउंट रिस्पेक्टिवली। दोनों का अमाउंट नोट करने के बाद में इन दोनों का मैं टोटल कर दूंगा, जो कि आएगा 240,945। अब मुझे एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल चेक करना है, सेम आएगा तो मेरा आंसर करेक्ट होगा स्टूडेंट। तो एसेट साइड का टोटल आया 330,445, और लायबिलिटी साइड का टोटल आया स्टूडेंट 330,445। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड का टोटल करेक्ट आया। इसी के साथ में हमारा ये पहला सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ स्टूडेंट, मेरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।